अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, ठीक है। जिसके लिए मैंने लिया है तेल, और अब मैं ऑयल में करूँगी प्याज ब्राउन, ठीक है। और प्याज ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी, ठीक है। दो बड़े प्याज चाहिए मैंने, जिनको अब मैं ब्राउन करने लगी हूँ, उसके बाद मैं उसको ब्राउन करके निकाल लूँगी। इसको मैंने करना है अच्छे से ब्राउन, अच्छे तरीके से हम इसको ब्राउन करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये होना है, इसको अभी हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे हो जाता है फिर मैं इसको निकाल लूँगा, थोड़ा सा रह गया जी। ये ब्राउन हो गए, मैं बिल्कुल आँच हल्की करके इनको निकाल लूँगा, ठीक है। बिल्कुल इसका तेल निचोड़ लेना है ताकि इनकी क्रिस्पी भी हो जाए। हम इसको अच्छी तरीके से सारा इसमें से पानी निचोड़ कर, क्योंकि हमने यही इस्तेमाल करना है तेल सालन के लिए, ठीक है। मैंने इसे निकाल लिया है सारा। डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें खड़ा गरम मसाला। मैंने डाला है दो बड़ी इलायचियाँ, दो सब्ज इलायचियाँ, फूल बादियान, ठीक है, तेज़पात, छोटी सी ये दालचीनी और हल्का सा एक चुटकी ज़ीरा, ठीक है। यह है खड़ा गरम मसाला जो मैंने इसमें डाला है। खड़ा गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो चिकन। अच्छा, मैं चार गोश्त बना रही हूँ चिकन के साथ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसे बनाना चाहें बकरे के गोश्त के साथ या किसी भी बड़े गोश्त के साथ, गाय के गोश्त के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुकिंग टाइम और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये थोड़े पानी में भी पक जाएगा और इसको टाइम कम लगेगा, मैक्सिमम आधा घंटा गोश्त गलने का टाइम बता रही हूँ। लेकिन अगर आप बनाते हैं बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त, तो आप उसे पानी ज़्यादा देकर ढक कर हल्की आँच में ज़्यादा देर पकाना है, या फिर आप उसको कुकर में भी बना सकते हैं। जैसे हल्का सा रंग चेंज करता है अपना, मैंने आँच थोड़ी हल्की की है ताकि आपसे बात कर सकूँ, जैसे रंग चेंज करता है मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून, ठीक है। और फिर मैं इसको इसके साथ पकाऊँगी ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और उसका पानी इसके साथ खुश्क होगा, कोई स्मेल नहीं आएगी। इसी दौरान मैं इसमें दो मिर्चें कूट कर डाल रही हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने लहसुन अदरक ताज़ा कूटा, इसी तरह हरी मिर्च भी, ताज़ी कुटी हुई जो हरी मिर्च होती है उसका भी जायका बहुत जायका और स्पेशली खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, ठीक है। इसको अच्छी तरह इसमें ये जो टाइमर है ये पकना और इसकी जो इस वक्त जो इसकी खुशबू आएगी चिकन में वो बहुत खूबसूरत लगेगी। इसको अच्छी तरीके से भूने, कम से कम 3 से 4 मिनट, ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। जी, ये अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो चुका है, जितना मैंने भूना था इसको भून लिया है। अब मैं क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं सूख मिर्च डालूँगी, लेकिन डालूँगी सिर्फ आधा चम्मच, ठीक है। आधा चम्मच सूख मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक, ठीक है। 1 चम्मच फ्लैट करके नमक हो गया 1 टेबल स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपकी फैमिली का जायका होगा उसके लिहाज से, ठीक है। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ उसमें भर के थोड़ा सा धनिया, इसमें ज़्यादा डलता है। आम सालन में मैं 1 चम्मच डालती हूँ, उसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। धनिया थोड़ा सा इसमें बैठ गई, काफ़ी मसालों से ज़रा ज़्यादा डलता है, पिस्सा हुआ धनिया है, ठीक है। अच्छा जी, हल्दी डाली मैंने 1 चुटकी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालती, पहले मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अच्छा, गर्म मसाला मैं पहले डाल चुकी हूँ, उसमें इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 4 कतरे पानी, 4 कतरे बस, इतना कि बस मसाला ना चले। इस टाइम आप सूख मिर्च डालते हैं ना, फिर आपको जरूर हल्का सा पानी डालना चाहिए,
अपना वो मसाला जलने का, ठीक है। हल्का सा मैंने इसमें डाला है पानी, आँच पर थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे ये जो है प्याज, इसको मैं हाथ से थोड़ा सा मल रही हूँ, हाथ से हल्का, जो क्रिस्पनेस होगा ना वो थोड़ा सा चूरा चूरा हो जाएगा, जो नरम वाला है वो चूरा नहीं होगा। मैं पीस नहीं रही, हाथ से इसको बस ऐसे मसल रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें जुड़ा जुड़ा सा हो जाए। अब मैं इसमें डाला ये चूरा किया हुआ प्याज, ठीक है, ये भी मैंने डाल दिया इसमें सारा। ओके, एक दफ़ा और मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स, ज़रा हाथ साफ कर लूँ, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। सही है। अच्छा, दो मिनट ज़रा मैं इसको इसके साथ पकाऊंगी, इस प्याज के साथ, फिर मैं इसमें डालूंगी अगले इन्ग्रीडियंट्स। ये लगे दो मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना। अब मैं डाल रही हूँ उसमें दही, दही डाल रही हूँ दो चम्मच, ठीक है, दो चम्मच डाल दिए इसमें दही, फिर इसको हम दोबारा से भूनेंगे। मसाले हर चीज़ इस टाइम पे इसको भूनना है, भून जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे आलू और फिर इसको हम पकाएंगे। आलू पहले से डाल देंगे तो ये भुनाई अच्छी तरीके से नहीं होगी, और आलू भी अच्छी तरीके से भुनना है, इसमें सारा मसाला सही से रचा बसा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मसाला या कोई भी खाना जब तक आप उसे अच्छी तरीके से पकाते हैं ना, दिल से उसको टाइम देके, इसमें हल्का सा छीटा पानी का डाल दूँ, आप बताते हैं 3-4 टेबल स्पून तक, ये जरा आँच तेज़ रखें और उसको भूनने पकने दें जरा उसको अच्छी तरीके से। तो जब तक उसको आप दिल से तरीके से नहीं पकाते हैं, उसके अच्छी तरीके से खिदमत नहीं करते, तब तक आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती खाने, आप खाने का मज़ा नहीं आता ना, आपको प्रेजेंट करते हैं कि सेटिस्फेक्शन क्या, पता होता है आज हमने गंडी मारी, आज ये बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाने वाले। मैंने देखा है कि जब हम शौक से नहीं पकाते तो वो चीज़ ज़ाया होती है लाजमी, और या तो हमें फेंकनी पड़ती है या हमें किसी को देनी पड़ती है। अच्छा, पानी मैंने डाला है इसमें, ठीक है, अभी तक मैंने इसको ढक के नहीं पकाया, इसी चिकन में नरमी नहीं लगी, तो मैं थोड़ी सी आँच कम करके उसको थोड़ा सा ढकना चाह रही हूँ, जब ये ढक जाएगा और उसके बाद चिकन में नरमी आएगी फिर मैं इसको इसके अंदर डालूँगी आलू, ठीक है। ये देखिए जी, ये मैंने ढक के पकाया है, बात देखिए इसमें, ये देखिए कैसे मसाला रच फंस गया, कमाल। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी आलू, 3 बड़े आलू लिए हैं मैंने, और उनको बड़े बड़े पीसेस में इस तरह काटा है, इससे भी बड़े होते हैं आलू गोश्त में, बेसिकली दरमियाने आलू को दरमियान से 2 टुकड़े करके बस डाल दिया जाता है और उसको ही पकने दिया जाता है। बिरयानी में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं थोड़े छोटे ऐसे डालती हूँ क्योंकि बच्चे उस तरह पसंद नहीं करते, आपका दिल तो वैसे डालते हैं। भुना हुआ सालन, किसी और चीज़ को भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसमें डालना है पानी जिससे आलू गल जाए, ठीक है। अच्छा, 2 तरीके, अगर आपको शोरबे वाला पसंद है, आप वाइट चावलों के साथ खाना चाहते हैं, उबले हुए चावलों के साथ, तब तो आप इसे शोरबा लगा दें, जब आलू गल जाए उसके बाद शोरबा लगाना। लेकिन अगर आपको खाना है रोटी के साथ, तो आप इसे लटपटा रखेंगे, खड़ा खड़ा सालन रखेंगे, मसाला जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे। मैं इसे रोटी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इस पर शोरबा नहीं लगा रही, मैं इसे अभी थोड़ा सा पानी डाल के आलू गलाऊंगी, फिर उतना पानी लगाऊंगी जितना मुझे सिर्फ इसमें गाढ़ापन दरकार है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला और ताकि मेरा आलू गल जाए, उसे मैं ढक के पकाऊंगी, ठीक है, और आलू गलने तक इंतज़ार करूंगी। ये देखें जी, मेरी ज़रूरत के मुताबिक ये गाढ़ा भी हो गया है और आलू भी मुझे गल गए हैं, मुझे लग रहा है, देखें मैं आपके सामने चेक करती हूँ। अच्छा, आप कहते होंगे ये सालन वाले चम्मच से क्यों नहीं पकाती है, चावलों वाले चम्मच से पकाती है। जब आप चिकन बनाएं ना, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये वाला चम्मच ही यूज़ करें, इसलिए कि चिकन जब ज़्यादा गल जाता है तो वो टूटना शुरू हो जाता है और वो राउंड वाले चम्मच से ज़्यादा टूटता है, तो प्लीज़ यही चम्मच इस्तेमाल करें, नहीं तो गोश्त का कीमा बन जाता है। और ये देखिए जी, मेरा सालन पूरी तरह रेडी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।